हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बायोटिक बायो पपाया का जो टैन रिमूवल स्क्रब आता है उसको रिव्यू करने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ पर्सनली यूज प्रोडक्ट्स को ही रिव्यू करती हूँ और मैं ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू ही नहीं करती हूँ जिसको मैं यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको 2 साल से रखा हुआ है और ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि डिब्बे में अभी भी है, इसका सेकेंड पैक मैंने अभी तक नहीं लिया है और बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि मेरे डिब्बे में अभी भी जो है ये स्क्रब है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड हो गया है। ठीक है, मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। तो मुझे आपको ये बताना होगा कि आपको यूज करना चाहिए कि नहीं। तो मुझे जो फायदा मिला और मुझे जो इसके नुकसान दिखे मैं वो आपको बताऊंगी, आप उसके बेसिस पर जज कर सकेंगे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये स्क्रब है ना, इसके जो पार्टिकल्स है ना काफी बड़े बड़े हैं। मतलब आप इसको जब भी लगाएंगे ना अपने फेस पर तो आपको महसूस होगा कि कुछ जो है वो आपके फेस पर गड़ रहा है। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स जो है काफी बड़े हैं और इसके अलावा इसमें से जब आप इसको लगाते हैं ना तो ये नेचुरल ऑयल जो होता है ना आपके फेस का उसको भी ये रिमूव कर देता है। ठीक है, जो नेचुरल ऑयल है कई हद तक ये उसको भी रिमूव कर देता है। जब आप टैन रिमूवल है तो टैन जब रिमूव करेंगे तो वो उसको भी निकाल देता है। इसके अलावा मुझे देखिए ये लगता है कि ये बहुत ही हार्श प्रोडक्ट है, इसको आपको फेस पर नहीं यूज करना चाहिए। आप इसको अपने हैंड्स पर जो है लगाइए, आप उसको अपने जो है और बॉडी पार्ट्स पर लगाना चाहे तो वहां लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको फेस पर जो है मत यूज कीजिए, ये थोड़ा सा हार्श है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ तो मुझे तो ये चीज फील होती है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये रिमूवर जो है ये इसको नाइका की तरफ से इसको बेस्ट टैन रिमूवर का जो है दर्जा मिला था। इसी बेसिस पर मैंने इसको परचेस किया था कि इसको जो है बेस्ट टैन रिमूवर नाइका खुद कह रहा है, तो मैं इसको खरीद के देखती हूँ। मैंने जब यूज किया ना मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा मुझे जो वॉलनट स्क्रब एक और आता है ना, वो कौन सी कंपनी का अभी रिसेंटली मुझे याद नहीं आ रहा, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन मेरा जो पर्सनली रिकमेंडेड स्क्रब होगा वो ये होगा कि आप लोग बेसन इस्तेमाल किया करिए, उससे अच्छा कोई स्क्रब नहीं है। आप बेसन लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठंडा थोड़ा सा, मतलब फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है नॉर्मल सा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालिए, आप उसको फेस पर रब कीजिए और उसको कम से कम 15 मिनट्स का रेस्ट दीजिए। फिर धीरे धीरे जो है अपने फेस पर पानी डालते हुए उसको धीरे धीरे मलते हुए उसको साफ कर लीजिए। आपका फेस काफी ज्यादा जो है टैन रिमूव करेगा। हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ कि आप अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपको और ड्राई स्किन दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो फिर आपके लिए ये ठीक साबित होगा, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन को और भी ड्राई कर सकता है। एक अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज किया गया। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज, आप इसको देखिएगा और आप भी कंसिडर कीजिएगा कि क्या इसमें कोई भी ऐसी हार्श केमिकल्स वाली चीज है, क्योंकि मुझे तो ये सब चीज नॉर्मल लग रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी हार्श केमिकल वगैरह पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से कहूं तो केमिकल फ्री है ये। और एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि हाँ ये भाई टैन रिमूवर ये बेस्ट है, ये बेस्ट टैन रिमूवर अगर आप रेगुलरली बाहर जाने वाले इंसान है। ठीक है, और आपको जो है अच्छा खासा टैन हो जाता है, आप जब घर आते हैं तो आप इसको वीकली अगर वीक में 2 बार इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपका सारा का सारा टैन रिमूव कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। ये आपको 195 रुपीज कुछ लिखा हुआ है, 199 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपको जब नाइका पे डिस्काउंट लगता है या कहीं पर भी डिस्काउंट लगता है तो ये आपको 135 तक तो पड़ ही जाएगा। तो 135 में आपको बेस्ट जो है, अगर बजट बजट के अंदर अगर आपको चाहिए कोई अच्छा टैन रिमूवर तो ये बेस्ट है उसके हिसाब से। ये अफोर्डेबल है, यूजफुल है और पपाया इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हुए हैं। देखिए पपाया बना है, इसका नाम ही है बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। तो पपाया जो होता है ना वो स्किन को ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप तो पहले ही जानते होंगे कि पपाया जो होता है स्किन में फेशियल वगैरह में भी काफी इस्तेमाल होता है, काफी अच्छा माना जाता है पपाया को। तो ये क्लेंजिंग के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए अच्छा होता है। कंक्लूजन तो मैं ओवरऑल से यही देना चाहूंगी कि आप इसको बहुत थोड़ा सा ये हार्श है। ठीक है, तो आप अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है, खराब प्रोडक्ट कोई नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट मेरी तरफ से जो रिव्यू जा रहा है वो ये होगा कि ये हार्श प्रोडक्ट है, नाइस प्रोडक्ट है। हो सके तो इसको, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको फेस पे मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप इसको भले बॉडी पर इस्तेमाल कर लीजिएगा, बॉडी पर करके देख लीजिएगा आपको सूट कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज नाइका ने इसको बेस्ट बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। और आपके वीडियो को मैं जो है शॉर्ट रखूंगी, लंबा रखूंगी ही नहीं, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बड़े अमाउंट को तो आप खुद जो है एक से अधिक वीडियोज देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो यही होगा कि ये थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा फेस पर हार्श हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो है इसके अंदर बड़े पार्टिकल्स हैं, थोड़े से जो है सख्त पार्टिकल्स हैं, उन्हीं की मदद से जो है ये टैन को निकालता भी है, लेकिन ये फेस को भी जो है आपके थोड़ा सा रब करेगा, थोड़ा सा आपको जो है पता चलेगा आपके फेस को कि ये कुछ ज्यादा ही रब कर रहा है ऐसा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि केमिकल फ्री तो लग ही रहा है, केमिकल फ्री है इसमें लिखा हुआ, ऐसी चीज तो कोई मुझे लगी नहीं जो कि केमिकल, इसको केमिकल के साथ बनाती हूँ। ठीक है, ये टैन रिमूवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा हार्श है,
थोड़ा सा इसके अंदर जो पार्टिकल्स है थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा जो है मेरे चेहरे पर लग रहा है। सेंसिटिव स्किन वालों आप इसको बॉडी पर इस्तेमाल करके देखना, और ड्राई स्किन वालों आपका फेस ये थोड़ा ड्राई कर सकता है, और ऑयली स्किन वालों आपके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि टैन रिमूवल स्क्रीम है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये टैन रिमूवल स्क्रब है, तो उसके लिए ये मैं बताऊंगी कि ये अच्छा है, खराब नहीं है, बढ़िया है, लेकिन मैं इसको अब इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आई नो लॉन्गर यूज दिस प्रोडक्ट, इसीलिए ये बचा हुआ है, खत्म नहीं हो पा रहा है, मैं यूज ही नहीं करती हूँ। मैं अब बेसन का इस्तेमाल करती हूँ, मैं कोई भी स्क्रब बाजार से नहीं लेती हूँ, मैं बेसन को यूज करती हूँ। और सीड्स हैं इसके अंदर, जो भी सीड्स डाले गए आपके फेस को स्क्रब करने के लिए वो थोड़े से मोटे हैं, तो मेरे फेस को थोड़ा सा हर्ट होता है। और इसके अलावा आप इसको स्क्रब, अच्छा है ये, पूरा टैन आपका निकाल देगा 3-4 दिन में, तो पूरा निकाल देगा। अगर आपका बहुत ज्यादा टैन हो जाता है, कहीं से घूम कर आते हैं तो उसकी वजह से भी टैन हो जाता है, तो वो निकाल देगा उसको अच्छे से, ठीक है। और तो मुझे इस वीडियो में कुछ और समझ नहीं आ रहा है इस वक्त, और आपको वीडियो कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।